गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज टू ट्रेवलर्स। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरस जेंटलमैन एंड टू ट्रेवलर्स। जेनरस मीन्स क्या होता है, जो उदार होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है, जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, और दो ट्रेवलर्स के बारे में। ओके, देखो, चौधरी हरी सिंह लिव्ड इन अ विलेज इन हरियाणा। जो चौधरी हरी सिंह है वो हरियाणा के एक विलेज में रहते हैं। हिज हाउस वॉज नेक्स्ट टू द मेन रोड। उनका घर जो है वो मेन रोड के पास में है। सो एवरी डे फ्यू ट्रेवलर्स केम टू लुक फॉर वाटर, फूड और शेल्टर। तो हर रोज उनके घर पे कुछ ट्रेवलर्स कौन होते हैं, जो वहां से आते जाते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलर्स बोलते हैं, पीपल्स को बोला जाता है ट्रेवलर्स। ओके, तो उनके घर पे हर रोज कुछ ट्रेवलर्स आते हैं वाटर के लिए, फूड के लिए, या फिर शेल्टर। शेल्टर में घर के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए। हरी सिंह हैप्पीली सर्व देम विद व्हाट दे वांटिंग। जो हरी सिंह है वो उनको बहुत ही खुश होकर हर चीज सर्व करता है, जो भी उन्हें चाहिए होता है। हरी सिंह वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन द ट्रेवलर्स एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट। जो हरी सिंह है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है जब जो ट्रेवलर्स होते हैं वो उसके दिल, मतलब जब वो खाना खाते हैं तो उसके दिल को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। ही वुड सिट बिफोर देम एंड वॉच देम एंजॉयिंग देयर मील। वो उनके पास ही बैठ जाता है और उनको देखता रहता है कि वो अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं। डू यू नीड, यहाँ पर हरी सिंह क्या पूछ रहा है इन ट्रेवलर से, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। एक बार क्या होता है, वन डे नो ट्रेवलर कम्स टू हिज हाउस। एक दिन उसके घर पर कोई भी ट्रेवलर नहीं आता है। हरी सिंह इज अपसेट। जो हरी सिंह है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ही गोज टू ए स्मॉल ईटरी नियर बाय एंड वेट्स फॉर सम ट्रेवलर्स टू शो अप। अब वो क्या करता है, उसके पास में ही जो एक खाने पीने की शॉप होती है, ईटरी उसी को बोला गया है, वहां पे जाता है और ट्रेवलर्स के लिए वेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। एन ओल्ड मैन फ्रॉम द ईटरी, जो ईटरी में ओल्ड मैन होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, वो नोटिस करता है कि जो हरी सिंह है वो बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा है। इट इज ऑलमोस्ट 3 o'clock सर, प्लीज ईट समथिंग। वो ओल्ड मैन उसको क्या बोलता है, हरी सिंह को, कि 3 o'clock हो गए हैं, तुम प्लीज कुछ खा लो। बट आई ऑलवेज ईट ओनली आफ्टर फीडिंग 2 travelers एवरी डे। बट हरी सिंह ने क्या रूल बना लिया था, ट्रेवलर्स उसके घर हर रोज आते जाते थे, तो उसने क्या रूल बना लिया था कि जब 2 travelers के घर पे आ जाएंगे तभी वो क्या करेगा, कुछ खाएगा पिएगा। तो वो क्या कहता है उसको कि नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज 2 travelers को खाना खिलाने के बाद ही खाता हूँ। तो ओल्ड मैन ब्रिंग्स 2 dolls मेड फ्रॉम शुगर फॉर हरी सिंह। तो ओल्ड मैन क्या करता है, 2 sugar से बनी हुई डॉल उसको लाकर देता है। सर कंसीडर दीज योर ट्रेवलर्स टूडे, टेक देम होम, गिव देम सम फूड एंड देन ईट। तो ओल्ड मैन जो था उसको खराब लगता है कि हरी सिंह क्या है, खाना नहीं खाएगा अगर ट्रेवलर्स नहीं आएंगे, तो उसको क्या करता है, 2 dolls देता है जो कि शुगर से बनी हुई होती हैं। कहता है कि आज आप इन 2 dolls को अपने ट्रेवलर्स समझ लीजिए, इनको खाना खिलाइए और उसके बाद आप भी कुछ खा लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट्स। हरी सिंह वेट्स फॉर ट्रेवलर्स एट द ईटरी एवरी डे। तो हरी सिंह जो होता है अपने घर उस ईटरी पे हर रोज क्या करता है, ट्रेवलर्स की वेट करता है। इफ नोबडी शोज अप ही टेक्स द 2 sugar dolls दैट द ओल्ड मैन गिव्स हिम एंड फीड्स देम, ही देन ईट्स हिज लंच। जब उसको कोई दिखाई नहीं देता है तो उन sugar dolls को खाना खिला देता है और फिर खुद भी खाना खा लेता है। वंस इन ए वाइल आफ्टर हरी सिंह हैज ब्रॉट द शुगर डॉल्स टू फीड देम, ट्रेवलर्स शो अप एट हिज डोर। कभी कभी क्या होता है, हरी सिंह जो है उन डॉल्स को अपने घर पे ले लाकर खाना खिला देता है, उसके बाद जो है ट्रेवलर उसके घर पे आ जाते हैं। उन दोस डेज ही गिव्स द डॉल्स टू हिज सन रामू टू ईट। तो वो क्या करता है, उन दिनों वो रामू को अपने, रामू का जो बेटा है उसको उन डॉल्स को दे देता है कि वो उनको खाना खिला दे। द बॉय स्टार्ट्स वेटिंग फॉर द डेज व्हेन ही कुड ईट द ट्रेवलर डॉल्स। अब जो बॉय है वो क्या वेट करने लग जाता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं इन डॉल्स को, शुगर डॉल्स को, मैं खुद खा सकूं, क्योंकि वो किसकी बनी हुई होती है, शुगर की बनी हुई होती है। वन डे 2 travelers नॉक ऑन हरी सिंह डोर। एक दिन क्या होता है, 2 traveler जो हरी सिंह के डोर पे आके नॉक करते हैं। सर कैन वी स्पेंड ए फ्यू आवर्स एट योर हाउस, वी आर वेरी टायर्ड। वो क्या कहता है कि क्या हम आपके घर पे कुछ घंटे बिता सकते हैं, हम बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। श्योर, प्लीज कम इनसाइड, आई विल अरेंज फॉर
सम फूड फॉर यू। वो क्या कहता है, आप अंदर आइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, कुछ खाने का अरेंजमेंट मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी कल कॉन्टिन्यू करेंगे।